मैं सबसे पहले ये एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से एक ट्राइबल कल्चर को छूता हुआ एक स्पोर्ट्स ताबोवा, जिसे हर गांव में खेला जाता है, जिसे हर लोग जानते हैं, मगर ये भी एक स्पोर्ट्स है, ये भी एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स है, इस बात का जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरा अरुणाचल को पता चला है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशली जब आप लोग फर्स्ट ताबोर वार एसोसिएशन ने फर्स्ट जब टूर्नामेंट स्टेट लेवल टूर्नामेंट करने का आप लोगों ने जब मीटिंग बड़े भाई जबेद अशी साहब के ड्राइंग रूम में आप सब ने बात जब किया था, आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ताबोर को किस प्रकार से इतना बड़ा इवेंट बनाने का इन लोगों ने जो जिम्मा लिया है, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। फिर बड़े भाई जबेदा जी साहब ने बोला कि नहीं, हम लोग करना है। ताबोर एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको खेलने के लिए ज्यादा पैसा का आवश्यकता नहीं है, फिजिकल फिटनेस हो और गेम के बारे में आपको अच्छा जानकारी होने से ताबोर को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे ट्राइबल लोग, हमारे अरुणाचल के लोग खेल सकते हैं। ये जमदते सिंह साहब का सोचना था और आपका प्रेसिडेंट और आपका सेक्रेटरी का सोचना था, इसको आज आप लोगों ने आगे बढ़ाया और मुझे यहाँ शरीक होने का मौका दिया। अगर आप लोग इन्वाइट नहीं भी करता तो हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि हम लोग जरूर, जब बड़े भाई के नाम पे इसको आप कर रहे हैं तो हम लोग जरूर शरीक होंगे, हम लोगों ने ऐसे डिसीजन तो लिया था। मैं ताबोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े भाई जमदेव दासी के नाम में आप लोगों ने सेकेंड एडिशन को रखा है, मैं विनती करूंगा थर्ड फोर्थ एडिशन भी उनके ही नाम से रखना चाहिए, स्पेशली तीन बार उनके नाम से रखना चाहिए। और इस बार तवांग है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वेस्ट सियांग में भी लेके आइए, हम लोग साथ देंगे, सियांग में भी लेके जाइए हम लोग साथ देंगे, तिरप चांगलांग भी लेके जाइए हम लोग साथ देंगे। आज मैं स्पेशली हमारे ताबोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मेरे कमिन साहब और जोन साहब दोनों को मैं सबके बीच में धन्यवाद ये देना चाहूंगा, आज आप लोगों ने सेकेंड स्टेट लेवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसी मंथ में नेशनल लेवल ताबोर चैंपियनशिप भी आप अरुणाचल में होस्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत तेज गति से जिस प्रकार से उड़ान भरा है आप लोगों ने, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि अरुणाचल ताबोर एसोसिएशन पूरे विश्व में ताबोर को एक बड़ा नाम अरुणाचल की तरफ से देंगे, मुझे ऐसे उम्मीद है। स्पोर्ट्स 2017 के बाद, 2016 के एंड और 17 के बाद अरुणाचल में स्पोर्ट्स का एक नया आगाज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू गवर्नमेंट सक्रिय होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स पॉलिसी का आगमन हुआ है। पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं था अरुणाचल में, ड्रग मोड में, प्रॉपर पॉलिसी मोड में 2016 का एंड में 17 को हम लोगों ने अरुणाचल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया है, जिसके तहत पुलिस डिपार्टमेंट में 10% का आप सबको जॉब का डायरेक्ट, आपको कोई रिटेन एग्जाम देना नहीं, आपका सर्टिफिकेट बात करेगा। अन्य डिपार्टमेंट्स में 5% टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगा, उसका 5% स्पोर्ट्स कोटा के लिए, चाहे कोई भी रैंकिंग का अफसर हो। और हम लोगों ने अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट ने हाईएस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ओलंपिक को रखा गया है। हमारा अरुणाचल का कोई भी बच्चा या बच्ची, लड़का हो या लड़की, अगर इंडिया टीम में ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाएगा, चाहे उसे खेलने मिलो मत मिलो, इंडिया का जर्सी पहन के वो जाएगा, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 25 लाख तो देगा ही देगा और सब इंस्पेक्टर का नौकरी उसके लिए रिजर्व। अगर अरुणाचल का कोई भी युवा कोई भी मेडल लाएगा, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ओलंपिक में, नीचे उसके नीचे सब अब एशियन गेम है, हमारा विभिन्न प्रकार के गेम है, ओलंपिक को हाइस्ट रखा गया है। अगर हमारा बच्चा कोई सिल्वर ब्रॉन्ज या गोल्ड कोई भी मेडल ओलंपिक में लाता है,
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 3 करोड़ रुपया तो उसको देगा ही देगा, डीएसपी का इक्विपमेंट का जो भी देगा। खेल एक ऐसा माध्यम है जो अपने समाज का नाम आगे बढ़ा सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे बढ़ा सकता है, स्टेट का नाम आगे बढ़ा सकता है, कंट्री का नाम आगे बढ़ा सकता है। आज आप लोग सोचने से ये मलेश्वरी देवी कौन है, कुंजलवी देवी कौन है, एमसी मेरी कॉम कौन है, बाचिंग गुटिया कौन है, ये सब बहुत ही साधारण आम घर आम परिवार से बच्चे निकल के आने वाले हैं। आज मेरी कॉम इज ए इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मेरी कॉम को पैसा का जरूरी नहीं है। अभी इस प्रकार से अगर अरुणाचल में को भी स्पोर्ट्स में आज आप देखिए फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी अभी ईटानगर में आयोजन होने वाला है, आपके इसी मंथ तागोवार का नेशनल चैंपियनशिप तवांग में होने वाला है। किस प्रकार से स्पोर्ट्स को अभी पेमा खंड गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है, युवाओं आपके लिए एक आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन अगर मेहनत के साथ अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे फिर आप ये खेल कूद आपके लिए नहीं है। बहुत से ऐसे यूथ हम लोगों को मिल जाता है, फुटबॉल भी खेलता है साथ में गुटखा भी खाता है, इंटरवल ब्रेक में जाके बियर भी पी के आता है। इस प्रकार से खेल में अपना तपस्या जैसे आप अपना आपका ऊपर आप परिश्रम नहीं करने से खेल एक डिसिप्लिन नहीं होने से खेल में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा, तवांग के सभी लोग यहाँ पे हैं, जान मुक्तों के भी कुछ लोग यहाँ पे होंगे, लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी के भी कुछ लोग यहाँ पे होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर किस गति से अरुणाचल को आगे बढ़ाने का जो काम किया है इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। आज देखिए अरुणाचल में कभी एयरपोर्ट होता नहीं था, 3 साल पहले एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले हुआ, आज आपको दिल्ली का डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर से है। कोई रेलवे ट्रैक अरुणाचल में प्रॉपर नहीं था, आज राजधानी नाहरलगन से निकलती है, आपका अरुणाचल एक्सप्रेस नाहरलगन से निकलती है सीधा दिल्ली के लिए। किस प्रकार से मेरे वेस्ट सियांग में आज इंडियन रेलवे फर्स्ट फेज अपना अपना जो हम लोगों को इंडिया रेलवे ने अपना जो हम लोगों का फर्स्ट फेज जो उन लोगों ने किस प्रकार से आलो में रेलवे स्टेशन होना चाहिए उसको देखते हुए कार्य शुरू किया है, किस प्रकार से तवांग तक रेलवे आने का बात चल रहा है, ये सपना जैसे है एक समय सपना जैसे है, मगर अभी ऐसे लगने लग रहा है कि ये भी होगा। वो दिन भी दूर नहीं है जब खंबा में आलो में तवांग में रेलवे का आगमन होगा। किस प्रकार से निचिपुर टर्मिनल, कब से सुन रहा था निचिपुर टर्मिनल परसों वहां से होके हम लोग आया, कब से सुन रहा हूं सेला टर्मिनल कंप्लीट होने को है। पॉसिबिलिटी है अगर पेमा गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है पॉसिबिलिटी है। तो मैं जंग मुक्तों और लुमला के वासियों को मैं तो तवांग आता रहता हूं, जब भी तवांग आता है एक नयापन का एहसास होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने टूरिज्म में आप लोगों ने एरिया को आगे ले गया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने खेती बाड़ी में एरिया को आगे ले गया है, जिस प्रकार से आपने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से रोजगार के माध्यम से टूरिज्म के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, तवांग सच में बहुत बहुत ही मायने में बहुत आगे है, आप सबका सोच बहुत आगे है। मगर ये आगे सोच को पॉलिटिकली आप लोग डाइवर्ट नहीं होना है। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, चुनाव नजदीक है, लोग तरह तरह के बातें करेंगे। आज अरुणाचल में पेमा खांडू का रहना सीएम बन के रहना अरुणाचल का हित में है, अरुणाचल का डेवलपमेंट का हित में है, अरुणाचल को आगे बढ़ाने का हित में है।
तो आप सबको हमेशा ये निर्णय लेना है कि पेमा खांडू जी जिस प्रकार से लुमला को, तवांग को, मुक्तोजान को आगे ले जाने के लिए जैसे वो विचार करेंगे, आप सबको भी साथ देना है। इन्हीं शब्दों के साथ once again, thanks for inviting me here today.